हेलो स्टूडेंट्स, दिस वीडियो इज़ मेड फॉर द फर्स्ट क्लास स्टूडेंट्स। टुडे वी विल डू एक्सरसाइज 9.5। राइट बोथ द डिवीजन फैक्ट्स फॉर ईच मल्टीप्लिकेशन। ये जो मल्टीप्लिकेशंस दी गई है, इसके लिए हमने क्या लिखना है? डिवीजन फैक्ट्स लिखने हैं। मीन्स डिवीजन फॉर्म में हमने लिखना है इसे। सो फर्स्ट देखो, 6 × 3 = 18। अगर हम 6 को मल्टीप्लाई करते हैं 3 से, तो उसका आंसर क्या होता है? 18। 6 × 3 = कितने होते हैं? 18। ठीक है, अब अगर हम 18 को डिवाइड करते हैं 3 से, ये दो नंबर दिए गए हैं, अगर हम 18 को डिवाइड करते हैं 3 से, तो इसका आंसर क्या होता है? 6। ठीक है, 18 को अगर हम डिवाइड करते हैं 3 से, 3 के टेबल में 18 कहाँ पर आता है? 6 पर आता है। ऐसे ही अगर हम 18 को डिवाइड करते हैं 6 से, तो इसका आंसर क्या होता है? 3। मीन्स 6 के टेबल में 18 कहाँ पर आता है? 3 पर। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, 8 × 6 = 48। 8 × 6 = कितने होते हैं? 48। अगर हम 48 को डिवाइड करते हैं, ये है ना 48, दोनों को मल्टीप्लाई करके आंसर आया 48। इसको हमने पहले डिवाइड करना है इससे, फिर इसको मल्टीप्लाई करना है, सॉरी डिवाइड करना है इससे। अगर हम 48 को डिवाइड करते हैं 6 से, तो इसका आंसर क्या होगा? 8। ठीक है, 6 के टेबल में 48 कहाँ पर आता है? 8 पर आता है। अगर 48 को हम डिवाइड करते हैं 8 से, तो इसका आंसर क्या होगा? 6। 48 / 6 = 8। ठीक है, 48 / 8 = 6। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, 7 × 5 = कितने होते हैं? 35। अगर हम 35 को डिवाइड करते हैं 5 से, तो आंसर क्या होगा? 7। 5 के टेबल में 35 कहाँ पर आता है? 7 पर आता है। अगर 35 को हम डिवाइड करते हैं 7 से, तो 7 के टेबल में 35 कहाँ पर आता है? 5 पर। सो यहाँ पे क्या हो गया? 35 / 5 = 7। 35 / 7 = 5। इसके बाकी के जो पार्ट्स हैं वो आप सॉल्व करोगे। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।